एक वे प्रोटीन बनता है पनीर के बचे हुए पानी को सुखाकर, और एक मिल्क पाउडर बनता है दूध को सुखाकर। और क्योंकि दोनों मिल्क से ही बनते हैं तो दोनों कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जहां वे 75% प्रोटीन है और मिल्क पाउडर 35% प्रोटीन है, मतलब हर 100 ग्राम में 35 ग्राम प्रोटीन। फैट दोनों में मिनिमल है और वे सिर्फ 6% कार्ब है, लेकिन मिल्क पाउडर 52% कार्ब है। कैलोरी वाइज दोनों एक जैसे ही है, और कीमत में एक अच्छा वे कम से कम 2500 रुपए किलो है और मिल्क पाउडर मात्र 420 रुपए से 570 रुपए किलो। तो अगर तुम मसल बिल्ड कर रहे हो और वे नहीं कर सकते तो बेझिझक मिल्क पाउडर इंक्लूड करो और वे से 62% कम कीमत पर पाओ उतना ही प्रोटीन। और सिंपल कर दूं, मतलब जितने प्रोटीन के लिए तुम वे को 82 रुपए दोगे उतना ही प्रोटीन मिल्क पाउडर मात्र 31 रुपए में दे देगा। कबूतर महंगा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन कैलोरीज तुम्हें वे से 2.5 गुना ज्यादा खानी पड़ेंगी, लेकिन अगर तुम अपने गोल के हिसाब से मिल्क पाउडर को कैलोरीज में इंक्लूड करके खाओ तो जो गेन्स वे देगा वही मिल्क पाउडर भी देने में सक्षम है। समझे? दोबारा समझाता हूँ।